गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स जो रहेगा रहेगा आप लोग का धांसू टॉपिक्स रहेगा। धांसू टॉपिक्स कहने का मतलब होता है इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोग का एक ऐसा टॉपिक्स होगा जो आप लोग को बहुत ही इंटरेस्ट ला देगा। आप लोग जानते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या होता है, तो अट्रैक्शन होता है। जिसको क्या करते हैं कि बॉयज या गर्ल्स जिसको लव मान लेता है कि ये लव है। कि देखिए, बॉयज और गर्ल्स के बीच में कभी भी ये जो है हो ही नहीं सकता है। हमेशा जो होता है आप लोग का एक तरह का अट्रैक्शन होता है। कोई भी जो कहता है कि कोई भी बॉयज जो कहते हैं गर्ल्स से कि हम तुमसे बहुत लव करते हैं, ये जो होता है ये कुछ नहीं होता है, ये एक प्रकार का अट्रैक्शन है। जो आज हम लोग बताएंगे कि इसे अट्रैक्शन ही क्यों बोलेंगे, इसको ये जो है लव क्यों नहीं बोलेंगे। तो आप लोग को मैग्नेट में बताएंगे कि इसको अट्रैक्शन बोलते हैं और इसको लव बोलते हैं। तो लव कब बोलेंगे और अट्रैक्शन कब बोलेंगे, तो ये आप लोग का एक लॉ आता है, कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ ही आपको बताएगा कि ये अट्रैक्शन कब हो जाएगा या रिपल्सन कब हो जाएगा। तो रिपल्सन जो होगा इन दोनों के बीच में होगा या नहीं होगा, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ बताएगा। चलिए आज का टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक्स आप लोग का मैग्नेटिक मूमेंट और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो इस पहले मैग्नेटिक मूमेंट से पहले आप लोग को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ये आप लोग का मैग्नेटिज्म का पार्ट टू है। आप लोग पार्ट वन आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। ये आप लोग का पार्ट टू है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखिए क्या होता है। कोई भी मैग्नेट जो है, ये जो आपका मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट को क्या होगा कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को, ये मान लीजिए आपका कील है, ये आपका जो कील है, इस कील को क्या कर सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसके पास अपना क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। जब तक इसके पास अपना पावर नहीं होगा तब तक इसको क्या खींच पाएगा, कभी भी नहीं खींच पाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे कि किसी भी मैग्नेट का क्या है कि अपना जो पावर है, वही पावर जो होता है आपका, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहलाता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे कि द पावर ऑफ मैग्नेटिक पोल। इसमें आपको बताए थे कि ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो ये आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। आपको बताए थे इससे पहले के वीडियो में कि क्या होता है, किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल का अपना जो पावर जो होगा, यानी इस पोल का जो अपना पावर जो होगा, वही पावर क्या करता है, किसी भी कील या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी अट्रैक्ट करता है। वह पावर आपको कहलाता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या डिफिनेशन के तौर पर बोलेंगे कि इट इज द पावर ऑफ द मैग्नेटिक पोल। इट इज द पावर ऑफ मैग्नेटिक पोल व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवार्ड्स इटसेल्फ। तो क्या हुआ कि यह एक प्रकार का आपका पावर है, किसका, मैग्नेटिक पोल का, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर। वह कहलाता आपको इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये आप लोग समझ गए कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, या किसी भी मैग्नेट पोल का क्या होता है कि अपना एक पावर होता है जो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अटैक करता है।
तो ये आप लोग का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। अब देखिए इसको डिनोट्स जो करते हैं, इसको जो डिनोट्स करते हैं, इट इज डिनोटेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचित करना, इट इज डिनोटेड बाय एम। और ये आपका एम जो है स्मॉल एम है, और स्मॉल यहां आप मीटर नहीं समझेंगे, इसको डिनोट करते हैं एम से। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट जो होता है आपका वेवर होता है, वेवर, ये आपको डब्लू और स्मॉल बी जो लिखा है इसको बोलते हैं वेवर। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का जो आपका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वेवर होता है, ऐसा यूनिट बोल दीजिए। यूनिट करने का मतलब ऐसा यूनिट, इसका जो ऐसा यूनिट जो होगा वे वेवर होगा। अब आपका दूसरा पॉइंट है, वो भी आपका बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है। आप लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बारे में समझ गए हैं कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, आप लोग के पार्ट वन वीडियो में बता दिया गया है। अब देखिए आप लोग का है मैग्नेटिक मूमेंट, मैग्नेटिक मूमेंट, मैग्नेटिक मूमेंट क्या है आप लोग जानते हैं कि ये आपका जो मैग्नेट जो है इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दूरी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और इन दोनों का जो अपना जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या इस बीच का जो आपका फोर्स जो होगा, इसका जो अपना पावर जो होगा, इस पोल का या इस पोल का जो पावर जो होगा उसी पावर को बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं कि एम है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एन एम और मैग्नेटिक लेंथ ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं डिफिनेशन में कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक मैग्नेटिक लेंथ एंड पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। यह क्या है आप लोग का कि मैग्नेटिक लेंथ और पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको डिनोट्स करते हैं आप लोग को डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल एम से। देखिए आप लोग यहां समझे हैं, समझेंगे सही से कि कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, और ये जो था स्मॉल एम आप लोग का था मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो यहां से बताइए कि एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए। तो अब यहां से आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट निकालेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, यहां से आप लोग यूनिट निकालिए इसका। यूनिट क्या निकल के आएगा, यूनिट हम लोग क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या बताया था अभी, वेवर, और ये लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है आपका मीटर। तो यूनिट जो निकल के आया मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या, वेवर मीटर। अब देखिए कि जब कोई भी मैग्नेट जो है, ये आपका मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट का ये आपका एक्सिस है, इस मैग्नेट को जब कट करेंगे, जब आपको इस मैग्नेट को मैग्नेटिक एक्सिस की ओर कट करेंगे तब क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, और जब इस मैग्नेट को परपेंडिकुलर ऐसे कट कर देंगे तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो अब ये आप लोग देखिए, आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आसानी समझ गए होंगे कि क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का प्रोडक्ट होता है, और यूनिट जो होता है वेबर मीटर होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट से,
कि पहला मान लीजिए व्हेन मैग्नेट कट व्हेन मैग्नेट कट इन मैग्नेटिक एक्सिस जब क्या करेंगे मैग्नेट को कट करेंगे मैग्नेटिक एक्सिस के टुवार्ड देखिए आपका ये मैग्नेट जो है एन और एस, जब देखिए जिस समय आपका ये मैग्नेट इस तरह से रहेगा तो इस मैग्नेट का अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या होगा स्मॉल एम इंटू ए हो जाएगा, इसके बीच का दूरी ए है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को कट कर दे रहे हैं, दो पार्ट में कट कर दिए, तो बताइए इसके मैग्नेटिक लेंथ में कोई भी यानी कि असर होगा, कोई भी असर नहीं होगा, जितना यहां फिर आपको एन और एस से फिर से क्रिएट हो जाएगा, यहाँ एन और एस फिर से क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ जो इसका जो लेंथ जो रहेगा वो भी लेंथ आपका सेम ही रहेगा, यहाँ भी आपका जो लेंथ रहेगा वो भी आपका सेम ही रहेगा। तो इसका मान लेते हैं जब आपका जब क्या करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस के टुवार्ड जब इस मैग्नेट को कट करते हैं तो इसको मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है एम डैश है। तो अब बताइए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल गया आएगा, तो न तो इसके लेंथ पर यानी कि कोई असर पड़ा और न ही इसका क्या होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। आप इस मैग्नेट को कितना भी इस मैग्नेटिक एक्सिस के ओर कट कर देंगे फिर भी आपका मैग्नेटिक के स्ट्रेंथ जो होगा सेम ही रहता है, तो एम इंटू ए ही हो जा रहा है। तो देखिए अब जब मैग्नेट को कट किया है मैग्नेटिक एक्सिस के टुवार्ड तो फिर भी क्या हुआ है कि कोई भी चेंजिंग आपका नहीं हुआ है, एम बराबर एम डैश सेम ही हो जा रहा है, कोई भी असर आपको नहीं हो रहा है। तो ये था आप लोग का पहला टॉपिक पहला पॉइंट, जब मैग्नेटिक एक्सिस के टुवार्ड किसी भी मैग्नेट को कट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए अब दूसरा पॉइंट है आप लोग का, व्हेन द मैग्नेट कट टुवार्ड द क्वाड्रेचर एक्सिस। आप लोग क्वाड्रेचर एक्सिस पहला पार्ट में बता दिए हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस। अब क्या होगा, ये आपका मैग्नेट है एन और दूसरा एस, तो इस जिस समय में कट नहीं किए हैं तो उस समय में जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा एम इंटू ए होगा। और अब क्या कर रहा है कि इस क्वाड्रेचर एक्सिस के टुवार्ड्स क्या कर रहे हैं कि इसको कट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक क्वाड्रेचर एक्सिस क्या है कि इस मैग्नेटिक लेंथ को परपेंडिकुलर क्या करते हैं जो एक्सिस खींचते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। जब इसको कट करेंगे तब तो आपका मैग्नेट इस तरह का डेवलप होगा, दो मैग्नेट हो जाएगा इस तरह से, तो इसका जो लेंथ जो हो जाएगा लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ क्या होता है ए, तो यहां से यहां तक का इसका जो फिर यहां एन और एस क्रिएट तो होगा लेकिन इसका लेंथ जो हो जाएगा ए बाय टू हो जाएगा क्योंकि लेंथ इसका हाफ हो गया है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वह आपका एम होगा। तो अब देखिए कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा हमेशा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपका सेम ही रहता है। इस देखिए किसी भी मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमेशा सेम होता है। ये आप लोग पॉइंट्स में याद रखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा हमेशा सेम ही क्रिएट होता है। आप लोग ये नहीं समझेंगे कि ये मैग्नेट बड़ा था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, तो उस समय आपका ये भी जो था
आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि मैग्नेट था। लेकिन यहाँ देखिए नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल दोनों क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ भी फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमेशा सेम होता है। तो जब इसको कट किए तो उस समय मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है एम डैश है। अब बोलिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ, आपका मैग्नेटिक लेंथ हो गया ए अपॉन टू और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्मॉल एम। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, एम ए अपॉन टू। तो जो पहले जो था रियल में मैग्नेटिक मोमेंट और बाद में जो कट किए, इन दोनों में रिलेशन देखिए क्या है। जब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, देखिए एम बराबर जो है कैपिटल एम बराबर एम ए लिख सकते हैं, तो एम ए का वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल एम बराबर एम ए, तो यहाँ एम ए का वैल्यू कैपिटल एम लिख देंगे अपॉन टू। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यही था ना एम डैश। तो अब देखिए तो रियल मोमेंट और जब कट किए तब दोनों में क्या डिफरेंट हुआ, तो एम बराबर क्या लिख सकते हैं, टू इंटू एम डैश। देखिए यहाँ आपको चेंजिंग दिख रहा है, चेंजिंग क्या हुआ कि जब मैग्नेट को क्वाड्रेचर एक्सिस के टुवार्ड्स जब कट करते हैं तो रियल जो मैग्नेटिक मोमेंट जो था वह आपको कट होने के बाद जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट जो बना है उसका ट्वाइस टाइम्स होता है। तो यहाँ क्या हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट आपका चेंज हो गया। तो चलिए आज का टॉपिक यही आपको एंड करते हैं, और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आप लोग का कूलम्स लॉ होगा। उसी कूलम्स लॉ में आपको बताएंगे कि अट्रैक्शन और रिपल्सन किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स में होता है, लेकिन वही आपको किसी भी बॉयज़ और वोमेन के साथ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है तो आप लोग को कूलम्स लॉ में बताएंगे। आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट समझ गए होंगे। थैंक यू।